अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट जेवियर मिले पिछले दिनों ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन गया और वहाँ पे उसने यरूशलम का भी दौरा किया और यरूशलम के दौरे के मौके पे इनको वेस्टर्न वॉल की सैर कराई गई। वेस्टर्न वॉल जो है ये टेंपल ऑफ सोलोमन की आखिरी बची हुई दीवार है जिसको उर्दू में दीवार गिरिया कहते हैं और यहूदी बिरादरी इसके सामने जमा होके और इबादत करती है, रोते रहते हैं और अपनी गुमशुदा अजमत को याद करते रहते हैं कि एक दौर था कि हम दुनिया के बादशाह थे और दुनिया में हमारा सिक्का चलता था, लेकिन आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि नन्हे मुन्ने से इज़राइल में हम फंस के रह गए। तो वो रोते हैं, दुआएं मांगते हैं कि ऊपर वाले ज़रा हमारे मसीहा को भेज दो ताकि वो दोबारा हमें अपने गुमशुदा मुकाम पे पहुंचा सके, यानी हम दोबारा दुनिया के किंग बन सके। ये एक अकीदा है जुडाइज्म के अंदर कि आगे चल के हम दोबारा से दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। तो इनको वेस्टर्न वॉल लेकर जाया गया अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को, वहाँ पर जाकर ये काफ़ी रोए और इस तरह से यू नो मीडिया में काफ़ी तस्वीरें इनकी वायरल हुई। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जहम हो गई या शुरू हो गई मीडिया के अंदर, उनमें से एक ख़तरनाक किस्म की जो र्यूमर्स थे वो भी मीडिया के अंदर छापे गए। ख़ास तौर पर ये इजरायली मीडिया से सर्कुलेट हो रहे थे र्यूमर्स। एक तो जो जेन्युइन ख़बर है वो ये थी, ये जेन्युइन ख़बर है कि अर्जेंटीना ने अपनी एम्बेसी यरूशलम के अंदर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया, इजरायली एम्बेसी, जिसका मतलब ये है कि वो यरूशलम को इजरायल का कैपिटल मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो डेंजरस चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट हुई इजरायली मीडिया में, जिसको बहुत सारे और भी रीजनल मीडिया आउटलेट्स ने उठाया, मिसाल के तौर पर जोर्डन न्यूज़ ने भी इसको उठाया, इसका अभी रेफरेंस आपको दिखाता हूँ। वो खबर ये थी कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के हवाले से ये चीज़ मंसूब की गई कि उन्होंने कहा कि मस्जिद अलक्सा को डिस्ट्रॉय करके और यहाँ पे थर्ड टेम्पल बनाया जाए ताकि मसीहा आ सके दोबारा। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस स्टेटमेंट, क्योंकि ये दुनिया के अमन के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है, पूरी दुनिया का अमन इस पे स्टेक पे लग सकता है। अब आगे बात करने से पहले इसका ज़रा रेफरेंस आपको दिखा दूँ। जोर्डन न्यूज़ ने इस पे रिपोर्ट किया कि अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ अलक्सा मॉस्क, इजरायली मीडिया हैज़ रिपोर्टेड। ये देखिए, ये इजरायली मीडिया के हवाले से खबर लगा रहे हैं, खुद रिपोर्ट नहीं कर रहे, इजरायली मीडिया में ये चीज़ें छपी हैं। कहते हैं कि इजरायली मीडिया हैज़ रिपोर्टेड दैट अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जेवियर मिले हैज़ कॉल्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अलक्सा मॉस्क, द थर्ड होलीएस्ट साइट इन इस्लाम, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मसीहा। किस कदर डेंजरस बात है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मसीहा। अब ये बात याद रहे कि ये जो मस्जिद अलक्सा है, इस जगह के लिए जुडाइज्म के अंदर अकीदा है कि जो होली ऑफ द होलीज था, यानी जो टेंपल बना हुआ था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो मस्जिद थी, जिसको यहूदी बिरादरी और क्रिश्चियन बिरादरी टेंपल ऑफ सोलोमन कहते हैं, उसका सबसे जो मुकद्दस हिस्सा था, होली ऑफ द होलीज जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे था, वो कहते हैं मस्जिद अलक्सा की जगह पे था। तो इसके ऊपर वैसे ही उनका क्लेम है कि इसको गिराना है और इसको जो है वो टेंपल में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये मुसलमानों का तीसरा हरम है। यहाँ पे ये भी इशू है कि मुसलमानों का तीसरा हरम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बुराक था, अभी पिछले दिनों शबे मेराज गुजरी है, तो शबे मेराज में जो बुराक था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो इसी जगह से आसमानों पर उभर गया था जहाँ पे डोम ऑफ द रॉक है, कुब्बतुस सखरा, वहाँ से ये ऊपर गया था और यहीं इसी मकाम पे 124,000 जितने भी पैगंबर आए हैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई थी मेराज वाली रात। तो इस जगह की, इस हरम की इंतहाई ज़्यादा अहमियत इस्लाम के अंदर है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, लिहाजा यहाँ पे किसी किस्म की छेड़छाड़ एक बहुत बड़ी जंग या एक बहुत बड़े तूफान का सबब बन सकती है। और ये मैं आपको बता दूँ, पहली मरतबा इस तरह के र्यूमर्स नहीं उड़ाए गए। 2015 के अंदर जानबूझ के नेतन्याहू की एक बकवास रिकॉर्डिंग की सूरत में जारी की गई थी, यानी उन्होंने यूं पोर्ट्रे किया था कि ये खुफिया तरीके से रिकॉर्डिंग लीक हुई है, लेकिन बेसिकली उन्होंने खुद ही लीक की थी। असल में वो मूड चेक करने के लिए इस तरह के खुराफात जो है वो करते रहते हैं। उस रिकॉर्डिंग के अंदर नेतन्याहू को ये कहते हुए सुना गया कि मस्जिद अल अक्सा को डिस्ट्रॉय करना इजराइल के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, अगर हम चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उनके खिलाफ जा रहे होंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल में आपको 2015 का दिखाता हूँ, इसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट किया था, ये दिसंबर 2015 का है, कि नेतन्याहू, वी कुड डिस्ट्रॉय अलक्सा बट वी डोंट वांट टू,
In leaked recording, PM heard saying, smashing the mosque at contested holy site would contradict everything Israel stands for. ये leaked नहीं थी, ये जानबूझ के इन्होंने जारी करवाई थी बेसिकली. तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ. अभी भी जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का बयान है ये ऑफिशियल बयान नहीं है. इसमें दो राय हैं, एक तो इजरायली मीडिया ने लगाया है, लेकिन इजरायली मीडिया झूठ बोलने में वैसे ही माहिर है, और किसी ने उनको कहते हुए सुना नहीं है अभी तक इस तरह की बात करते हुए. लिहाजा मुमकिन है कि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें हर कुछ अरसे के बाद इमर्ज हो रही होती हैं. और ये जो चीज़ें होती हैं ये ऐसे बिला वजह नहीं छोड़ी जाती मीडिया के अंदर, ये मूड चेक करने के लिए एसेट छोड़ी जाती हैं. हकीकत ज़रूर है इसके पीछे, एक बहुत बड़ा हल्का ऐसा ज़रूर है इसराइल के अंदर जो कि थर्ड टेम्पल बनाने का हामी है, और थर्ड टेम्पल तब तक नहीं बन सकता जब तक मस्जिद अक्सा वहाँ पर मौजूद है. अलफत्ता जो कि महमूद अब्बास की तंजीम है वेस्ट बैंक के अंदर जिनकी हुकूमत है, इन्होंने भी 2018 में ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था कि इस तरह की साजिश पनप रही है हकीकतन, और इजरायली इस पे काम भी कर रहे हैं. 2018 में अगर आप द यरूशलम पोस्ट में दिखाऊं 26 जुलाई 2018 का, उसके अंदर ये बहुत बड़ी स्टोरी लगी थी कि अब्बास फतह इजरायल प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय अलक्सा मॉस्क, और इसके अंदर उन्होंने कहा था कि the Palestinians have since used the incident to revive their long-standing charge that Israel was planning to destroy the Al-Aqsa Mosque in order to rebuild the third temple. लिहाजा मुस्लिम जो बरादरी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ समझने की ज़रूरत है. जब वो ईस्ट यरूशलम का क्लेम मांगते हैं ना फ़लस्तीनी रियासत के लिए, तो वो बेसिकली दुनिया के अमन के लिए मांग रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप ईस्ट यरूशलम दे देते हैं इजराइल को तो जाहिर सी बात है वो नॉन डिस्प्यूटेड हो जाएगा. अगर उनका कैपिटल आप दुनिया तस्लीम कर लेती है तो वो नॉन डिस्प्यूटेड हो जाएगा. तो नॉन डिस्प्यूटेड इलाके में उनकी मर्ज़ी है जो चीज़ बनाए जो चीज़ गिराएं, ऐसा ही होगा ना. तो फिर ऐसे में वो ये हरकत कर भी सकते हैं. अगर ऑफिशियली ईस्ट यरूशलम उनके पास चला जाता है तो ये हरकत कर भी सकते हैं, और इससे फिर इनको तो कुछ होगा या नहीं होगा वो तो देखी जाएगी, लेकिन दुनिया का अमन ज़रूर ख़तरे में पड़ सकता है. एक तूफान दुनिया में उठ सकता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि इस जगह की अहमियत ही इतनी ज़्यादा है. तीसरा हरम है, जैसे मक्का हरम है मदीना हरम है, तो ये भी हरम है असल में बैतुल मुक़द्दस जो है. लिहाजा इसके बारे में टाइम टू टाइम इस तरह की जो खबरें छप रही होती हैं ये तश्वीशनाक हैं, और इस पे मेरे ख्याल से स्टैंड लेने की ज़रूरत है मुस्लिम वर्ल्ड को. और ये जो क्लेम है कि ईस्ट यरूशलम फ़लस्तीनी रियासत का ही हिस्सा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, इस क्लेम को किसी सूरत मुस्लिम बरादरी को या दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क को गिव अप नहीं करना चाहिए.